हेलो एवरीवन रजी मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ आज एक नया एपिसोड आ, कल हमने आपसे बताया साथियों मैं आज सभी भाइयों से सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि ये जो आंदोलन है ये केवल किसान का नहीं ये पूरे देश के हर वर्ग का आंदोलन है इससे केवल किसान को ही नुकसान नहीं होगा अलग बात है कि किसानों ने आंदोलन उठाया है लेकिन सारे देश का नुकसान होगा आपके सामने उदाहरण है चार साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी जो जरूरी वस्तु दी नहीं है मैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं और वो दाल किसान से पचास रुपए में खरीदी और खाने वाले को वो दाल दो सौ रुपए में बेची वो जो बीच का डेढ़ सौ रुपए मुनाफा था वो किसकी जेब से गया वो आम आदमी की जेब से गया हर गरीब की हर मजदूर की दुकान वाले की सबकी जेब से गया और ये लाखों करोड़ का घोटाला था लाखों करोड़ रुपया पूंजीपतियों की जेब में गया और आम जनमानस की जेब से निकल के गया अब हर चीज में ऐसे करेंगे जैसे अब की बार आलू में किया अब की बार प्याज में किया क्या सरकार ने आज तक कोई ऐसा कानून बनाया कि अगर किसान से कोई चीज दस रुपए में लेते हैं तो आगे बीस रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता उसको अब दस रुपए में खरीद के और उसको अस्सी रुपए में बेचे उसको सौ रुपए में बेचे ये ये कोई तुक नहीं है ये बिल्कुल जनता का शोषण है और वो अब कानून के माध्यम से शोषण का अधिकार दे दिया गया मेरी अपील है कि देश का हर नागरिक इस आंदोलन में सहयोग करे चाहे वो किसी भी वर्ग का हो लेकिन इसके साथ साथ मैं एक अपील इसके साथ और करना चाहूंगा आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक चलना चाहिए अब इसमें एक खतरा ये बढ़ जाएगा कि कोई भी संस्था उठेगी कोई भी संस्था आंदोलन को किसी भी तरीके से डील करे तो वो आंदोलन टूट जाएगा आप मुहारा जो आंदोलन होता है उसमें गड़बड़ी के चांस रहते हैं हमें कोई दंगा नहीं करना कोई फसाद नहीं करना ये हमारी सख्ती दायित्व है जो दंगा करेगा जो फसाद करेगा वो हमारा आदमी नहीं होगा उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाए हमारी सख्ती दायित्व है लेकिन इसमें मैं एक अनुरोध और ये करना चाहूंगा कि जितनी बात संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से कही जाए उतनी बात पे अमल जरूर करें जो आदेश जो जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से जाए जो यहाँ यहाँ पे जो मीटिंग होती है सभी संगठनों की उसमें जो फैसला हो उस पर सभी अमल जरूर करें अगर आप ऐसा करते हो तो सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ेगा और सारे देश की जो जनता है वो उसको भूखमरी से बचाना जरूरी है अगर ये कानून बने रहे तो ये तय है कि हर नागरिक भूखमरी का जो उसको महंगाई झेलनी पड़ेगी भूखमरी का शिकार होगा जो गरीब लोग हैं जो निचले लोग हैं वो भूखमरी के और ज्यादा शिकार होंगे इसलिए मेरा अनुरोध है कि देश का हर नागरिक इस आंदोलन में यथासंभव सहयोग करे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये लड़ाई किसानों की मैंने कल भी कहा था मैं आज भी कह रही हूं कि किसानों की इस लड़ाई में सब लोग मिलकर शामिल हो जाएं क्योंकि तनहा कोई नहीं रह सकता है और इस वक्त सबसे ज्यादा हाथ एक दूसरे का पकड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है बाकी जो ये ड्रामे कर रहे हैं उनको छोड़ दो क्योंकि इनकी उम्र बहुत लंबी नहीं है बहुत छोटी उम्र के हैं इन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान को बर्बाद किया है बर्बाद ऑनेस्टली जो इल्जाम इन्होंने आज तक इन्वेडर मुगल तुर्क खान, जिस तरह से इन्होंने इन इन इनका नक्शा पेश किया था ना जिस तरह से हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ दिया था जिस तरह से इन्होंने हमारे अपने नौजवानों के दिमाग में नफरत का जहर भरा है या मैं आज मैं बहुत दिन से ये वाली बात कहना चाहती थी और आज तुम्हें ये बात कह, कहे कहे बगैर रह ही नहीं सकती कि जिस तरह से इन लोगों ने अवाम को के दिमाग में बच्चों को नौजवान नस्लों को जहर पिलाया है और बर्बाद किया है क्या ये इनमें इनके अपने बच्चे शामिल हैं नहीं है ना उनके बच्चे तो यहाँ हम देखते हैं कि हार्वर्ड और एम में पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं लंदन पढ़ने और आपके बच्चों को उन्होंने नफरत की फैक्ट्री में झोंक दिया और मैं उन लोगों से भी सवाल करूंगी जो अमेरिका से क्योंकि मैं ये खबरें आ रही हैं कि सबसे ज्यादा फंडिंग जो इस हुकूमत को हो रही है वो अमेरिका से हो रही है तो मैं उन तमाम अमेरिकन से ये सवाल करना चाहूंगी कि आप ये जो पैसा अपनी मेहनत की कमाई हिंदुस्तान में हिंदू राज बनाने के लिए भेज रहे हैं और ये अगर पुण्य का काम है ये अगर सही काम है और इससे हमारे देश को फायदा हो रहा है तो अपने बच्चों को भी भेजो वहां पर इस पुण्य में इस सेवा में और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपने ही मुल्क के खिलाफ हो तुम एक्चुअली एंटी नेशनल हो तुम एंटी नेशनल हो क्योंकि तुम फंडिंग करके अपने मुल्क के लोगों को मरवा भी रहे हो मुल्क बर्बाद भी करवा रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ऑफ रिलीजन अगर तुम अपने बच्चों को नहीं भेजते यू आर हेपोक्रेट अपने बच्चों को भेजो वहां वो जाके करें अच्छे काम उनका नाम होना चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाने में वाई नोट अपने बच्चों को वहां भेजो अपने बेटियों को भेजो बेटों को भेजो कि तो भैया जाओ ये है मैं दस दस मिलियन डॉलर लेके जाओ और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ अपने बच्चों को तो आप नहीं भेजोगे पैसा भेज दोगे कि अपनी मुल्क में हिंदुओं को माइनोरिटीज को मार दें और जो भी आवाज उठे इस जो आवाज उठेगी इस गवर्नमेंट के खिलाफ उसको मार दें और आपको लगता है कि ये बहुत दून दे, देर तक चलने वाला है और आप इस जो जो कुछ हो रहा है वहां आप इससे बच जाओगे इज़ बिच अ बिच नहीं छोड़ेगा आप दूसरे के बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हो वहां पर उनके जहनों में जहर भर रहे हो उनके उनके जिंदगियों में जो है नफरतें घोल रहे हो ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपने बच्चों के साथ खुशी मना सको मुमकिन नहीं है मुमकिन ही नहीं है जो जो तुम दूसरों के बच्चों के साथ बो रहे हो एक दिन तुम और तुम्हारी औलाद वही काटेंगे और ये कोई बदुआ नहीं है ये बदुआ नहीं है ये वो ये लॉजिकल बंदे हो पढ़े लिखे हो समझ सकते हो कि आज हम ये बो रहे हैं तो कल हम ये हम ये ही काटेंगे और तुम नहीं काटोगे तो तुम्हारी औलाद काटेगी बिफोर फंडिंग थिंक अबाउट इट थैंक यू सो मच ये दो चार चीजें थी जो मैं आज uh, शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज कीप वाचिंग बी डी सी टीवी वतन की बात हम वतनों के साथ और uh, हमें सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड कमेंट्स